चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है लिमिट। देखो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन डी के सम से देख रहे थे। फाइनल एक्सरसाइज में सेक्शन डी जिनमें ना हमने 14 तक के सम्स देखे थे, अब आज आखिरी के जो है वो 15, 16, 17 सम हमें देखने हैं। भाई 14 तक के जो भी हमने सम्स देखे थे ना, उनके अंदर लिमिट फाइंड करने की मेथड ऐसे थी कि जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है उसमें पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते थे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते थे, उनके फैक्टर्स करते थे ना हम लोग, और उसका फैक्टराइजेशन करके उसके बाद जो है वो ये उसका सॉल्यूशन करते थे, लिमिट फाइंड करते थे। लेकिन अब जो आखिरी के 3 क्वेश्चन इस सेक्शन में दिए हुए हैं ना, वो थोड़े से अलग हैं कि इनमें जो फंक्शन दिए हुए हैं इनमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उनका जो है फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि उसमें है लिमिट एक्स माइनस वन, दिया हुआ है एक्स 2017 प्लस वन एंड एक्स अपॉन 2018 माइनस वन, बराबर एक्स पावर 2017 और एक्स पावर 2018 है। इसमें अगर हम लोग न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने जाएं कैसे होगा? होगा पॉसिबल है एक्स पावर 2017 प्लस वन, इसकी कोई फॉर्मूला नहीं ना, या ऐसे एक्स पावर 2018 माइनस वन, उसकी कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो जब जिसका फैक्टराइजेशन ही ना होता हो, तो जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन ना होता हो ना, तो उसे एक रूल के हिसाब से कहो लिमिट फाइंड करना होता है, रूल के हिसाब से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। वो रूल आता है लिमिट का कि ऐसा जब फंक्शन हो जिसका कोई फैक्टराइज नहीं होता, तो उस फंक्शन को एक्स पावर एन ए पावर एन अपॉन x माइनस ए के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट करना होता है। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को इस फॉर्मूला के हिसाब से या इस रूल के हिसाब से कन्वर्ट करना होता है। अगर इस फंक्शन का इस रूल के हिसाब से कन्वर्ट हो गया ना, तो फिर उसका डायरेक्ट लिमिट आंसर लिखते हैं। डायरेक्ट आंसर उसका लिखा जाता है एन ए एन माइनस वन के हिसाब से। ये एक सिंपल जो है वो लिमिट का रूल आता है कि जब कोई भी फंक्शन का कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं, इसमें ना प्लस माइनस हो रहा है, ना कुछ कॉमन निकल रहा है, ना कोई रूल इसमें लग रहा है, कुछ भी नहीं, तो ऐसे फंक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग एक्स पावर एन ए पावर एन एक्स माइनस ए। और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं एन ए एन माइनस वन। उसमें फिर कोई ये माइनस वन की वैल्यू या और कोई वैल्यू रखने की जरूर होती नहीं है, कुछ भी वैल्यू उसमें रखनी नहीं होती, डायरेक्टली जो है वो आंसर ये लिख देते हैं एन एन पे जो नंबर आए वो एन ए वाला जो नंबर हो और एन माइनस वन, बराबर। और इनमें जब कन्वर्ट करना होता है ना, तो भाई ये एक्स एक्स सेम होना चाहिए, एक्स पे कुछ भी नंबर कुछ भी पावर हो सकता है, एक्स एक्स सेम होना चाहिए, ए ए सेम होना चाहिए, साइन बी सेम होनी चाहिए ए की, बराबर ना, ए ए सेम होना चाहिए, और दूसरा जो है वो एन बी ऊपर सेम होना चाहिए, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। और ये कन्वर्ट करने का ही लॉजिक वो समझो सम का मेन पार्ट है कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, वही सम का मेन पार्ट है। फिर तो सीधा रूल लगता है एन ए एन माइनस वन, फिर तो कोई भी चेंजेस नहीं, बराबर ना। अब देखो कन्वर्ट कैसे करें, एक्स को कन्वर्ट करेंगे हमेशा जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया गया हो ना, डिनोमिनेटर के हिसाब से ऊपर रखा करो। जैसे अब ये सम समझो, ध्यान से समझना, जैसे कि भाई चलो यहाँ दिया हुआ x पावर 2017 प्लस 1, x पावर 2018 माइनस 1, यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है ना, जो x की वैल्यू होती है, यहाँ x की वैल्यू ही पूरी x पावर 2018 है, पूरी वैल्यू x पावर 2018 है, ऊपर n तो कुछ अलग ही होगा, फिर वो तो फाइंड करेंगे, x की कंप्लीट वैल्यू ही x पावर 2018 है, और हमेशा जो नीचे की वैल्यू दी गई हो ना उसके हिसाब से जो है वो ये ऊपर वैल्यू रखनी होती है। इसको इसमें ऐसे कन्वर्ट करें हम लोग कि भाई लिमिट एक्स माइनस वन अपॉन से शुरू करेंगे, पहले हमेशा एक्स को इक्वल बनाओ, पहले एक्स को इक्वल बनाओ कि यहाँ अगर नीचे एक्स पावर 2018 है तो ऊपर भी एक्स पावर 2018 ही होना चाहिए, पहले वो इक्वल लिख दें एक्स पावर 2018 और एक्स पावर 2018, और नीचे तो चलो खाली x, x के ऊपर कोई पावर नहीं ना, बराबर ना। इस सम में देखो x की वैल्यू ही x पावर 2018 है, पूरी x की वैल्यू ही, n तो अलग आएगा, ये 2018 वो n मत समझना, जो x की वैल्यू लिखनी होती है वो कंप्लीट x की वैल्यू ही x पावर 2018 है। नीचे जैसे x था
तो ऊपर भी वही वैल्यू लिखी, ऊपर भी सेम लिखा, और इसका इसका n पावर भी तो लिखना होता है ना। जैसे ऊपर हमें चाहिए होता है x पावर n, तो ये x पावर 2018 ऊपर n लिखना है, और वही n, फिर से बोल रहा हूँ, वही n समझो सम का मेन पार्ट, वही मेन लॉजिक यूज करना है। यहाँ पर n की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि जिससे ये क्वेश्चन मेंटेन रहे, क्वेश्चन मेंटेन रहे, ऐसी वैल्यू हमें रखनी है। देखो भाई, नीचे x पावर 2018 था, नीचे को तो नहीं बदला, ऊपर 17 की जगह हमने 18 रख दिया इस फॉर्मूला के लिए। भाई दोनों सेम होने चाहिए, तो ऊपर भी 18 रख दिया, लेकिन क्वेश्चन बदलना थोड़ी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर n पे हमें कोई ऐसे नंबर रखने हैं कि जिससे वो क्वेश्चन मेंटेन ही रहे। भाई उसका कैलकुलेशन 2017 ही रहे, वो क्वेश्चन मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा समझ आ रही है बात। और वो कैसे रखेंगे, चलो यहाँ 2018 है, 2018 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे आंसर 2017 ही रहेगा। माइनस वन नहीं करेंगे, माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखो जैसे मैं एक नंबर बताऊं, मल्टीप्लाई हमेशा फ्रैक्शन से होगा। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर पावर 2017 अपॉन 2018 रखूं, ये पावर रखा x पावर 18 और उसका पावर 2017 18, तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2018 18 कट और बचेगा खाली 17 ही ना, वो बोलो क्वेश्चन मेंटेन रहा कि नहीं। इनका मल्टीप्लाई वो 18 18 कट हो जाएगा, बचेगा 2017, वही क्वेश्चन रहा ना। तो देखो ये कन्वर्ट हो गया x और ऊपर x पावर n, x दोनों सेम हो गए, 2018 2018 वो सेम हो गए, और ऊपर n होना चाहिए तो ऊपर n भी हो गया 2017 18। समझ आ रहा है, x की वैल्यू बनी ये पूरी x पावर 2018 और ऊपर n की वैल्यू, वो n की वैल्यू बनी 2017 18। n की वैल्यू ऐसा रखते हैं कि क्वेश्चन सेम ही रहना चाहिए, फिर उसमें चेंज ना हो कि भाई ये 18 18 कट करो तो रहेगा तो x पावर 2017 ही, बरोबर ना। ये डिटेल समझना, पहला क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी करोगे ना तो और माइंड क्लियर होगा कि हमें कैसे रखना है। तो चलो x सेम हो गया, अब दूसरा सेम करते हैं a, a सेम करना चाहिए, साइन b सेम करनी है। तो a पे यहाँ वैल्यू क्या है पता है, 1 है, हमेशा नीचे की वैल्यू पहले देखते हैं। a पे क्या है वैल्यू, 1, तो a पे तो चलो -1, a पे -1 तो ऊपर भी -1 ही होना चाहिए ना, बरोबर ना, ऊपर भी सेम ही होना चाहिए -1, लेकिन ऊपर तो +1 है। अब यहाँ पर भी -1 अगर रखना है तो ऐसे वैल्यू रखनी है कि जिससे जो है, जिससे क्वेश्चन मेंटेन रहे, जिससे क्वेश्चन और वैल्यू मेंटेन रहे। अगर ऊपर भी हमें माइनस रखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 के -1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि अगर -1 लिख रहा हूं तो देखो -1 भी सेम रहेगा और ऊपर -1 प्लस हो जाएगा, क्वेश्चन भी मेंटेन रहा ना -1 प्लस, तो ये 1 1 भी सेम हो जाएगा उसमें, बरबर ना, आगे की साइन सेम होनी चाहिए उन। ये हो गया, तो देखो x सेम हो गया, a भी सेम हो गया, अब बचा n सेम करना है, n को भी तो इक्वल बनाना है ना, x हो गया, a हो गया, n भी इक्वल बनाना है। तो n में यहाँ जैसे 2017-18 है तो यहाँ पर भी तो 2017-18 रहेगा ना, फिर बरोबर ना, सेम ही आना है ना। और 1 का तो पावर हम लोग 2017 और 18 लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 में तो खुद पावर लिख सकते हैं, 1 में तो कोई भी पावर हो आंसर 1 ही रहेगा ना, है कि नहीं, 1 का कोई भी पावर 1 ही रहता है। तो अगर यहाँ 2017-18 है तो यहाँ पर भी तो अपना पावर 2017-18 रख सकते हैं कि जिससे ये दोनों सेम हो जाएगा। हाँ, 1 की जगह और कोई नंबर होता ना, 2 3 4 5 या कुछ नंबर, तो डायरेक्टली दोनों में सेम नहीं रख सकते हम लोग, बरबर, वो तो 1 है, 1 को तो कोई भी पावर दो सेम हो जाएगा। तो ये हमने इक्वल बनाया, बरबर, इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये हमने इक्वल बनाया। ये खाली एक स्टेप में आपका लॉजिक लगता है, और वो भी पहला सम है, इसके बाद वाला सम करोगे तो और माइंड क्लियर होगा कि हाँ भाई कैसे हमें रखना है। अब ये इसके हिसाब से कन्वर्ट हो गया, देखो x पावर n, a पावर n, x पे 2018, n पे ये है, यहाँ पे 1 और n पे ये है, बरबर, और नीचे x माइनस a, नीचे x माइनस a होना चाहिए, वो हो गया ना। अब कन्वर्ट हो गया ना, तो कोई लिमिट की वैल्यू वगैरह कुछ नहीं रखनी, सीधा आंसर लिख देते हैं n a n माइनस 1, ये रूल ध्यान ही रखना।
आगे के भी सेक्शन ई में भी, चैप्टर 5 में भी ये रूल रिपीट होगा ही होगा, एन ए एन माइनस वन, माइंड में रख ही लेना ये रूल। एन ए एन माइनस वन के हिसाब से आप यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल, और रूल अगर मेंशन करना हो तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि हम लोग ये रूल फॉलो कर रहे हैं एन ए एन माइनस वन, भाई ये कंडीशन हो तो एन ए एन माइनस वन, ये रूल लिखना हो तो लिख भी सकते हो, देन जो डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल, और उस रूल के हिसाब से सीधी वैल्यू लिखें एन ए एन माइनस वन। एन एन पे क्या लिखा जाएगा इसमें 2017-18, एन पे लिखा जाएगा 2017/2018 मल्टीप्लाई ए, ए पे क्या लिखा जाएगा माइनस वन, ए पे माइनस वन लिखा जाएगा ना, कि भाई माइनस वन, माइनस की वैल्यू है यहाँ पर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, एन पे क्या लिखेंगे हम लोग, एन पे वही लिखेंगे 2017-18 एंड माइनस वन, बराबर एन ए एन माइनस वन, भाई एन पे 2017-18 ए और एन पे भी 2017-18 माइनस वन। तो यहां पर समझो 2017-18 रहेगा मल्टीप्लाई माइनस वन, अब माइनस वन का जो ये पावर है तो माइनस वन पावर इनका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, इनका माइनस ना, माइनस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे, 2017-18 माइनस वन है तो एलसीएम, पर एक बात कहूं वन का पावर हो ना तो उसमें कोई एलसीएम, कोई जो है वो सॉल्यूशन वगैरह कुछ मत किया करो, कोई प्लस माइनस नहीं, क्योंकि वन का तो कुछ भी पावर हो, इनका माइनस करके भी अगर कुछ पावर आया तो आंसर क्या रहेगा, वन ही रहेगा ना, वन के ऊपर तो कितना भी और कोई भी पावर हो आंसर वन ही रहता है, मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है उसमें, समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब यहाँ वन का आंसर जो है वो क्या रहेगा, ये वन ही ना, माइनस वन ही रहेगा, ऊपर अगर माइनस न करोगे इसमें तो भी चलेगा, करके बताओगे एक स्टेप में तो भी चलेगा, अगर एलसीएम करके यहाँ पर माइनस करके बताओगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे डायरेक्ट माइनस वन ही लिख दो तो भी ठीक है, क्योंकि वन का तो कोई भी पावर वही रहने वाला है। तो यहां पर आएगा 2017-18 मल्टीप्लाई ये माइनस वन, उसका पावर भले न लिखें, और 2017-18 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा माइनस 2017-18, माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस 2017-18, ये आंसर आ गया हमारा। स्टेप्स दो ही करने हैं खाली, लेकिन उन दो स्टेप्स में जो है वो माइंड लॉजिक पूरा लगाना है। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देखो, समझो हमें कैसे करना है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन बताऊं। हाँ मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होगी, पर ये एक क्वेश्चन किया ना, अब ऐसा ही जो है वो सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखो तो और माइंड क्लियर होगा ये फॉर्मूला कैसे यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं इसमें। देखो अब जैसे 16 वाला क्वेश्चन है कि उसमें दिया हुआ है लिमिट एक्स वन एक्स पावर 7/2-1, यहाँ एक्स पावर 3/2-1 ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें भी कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, हो रहा है एक्स पावर 7/2-1, कोई रूल लगेगा उसमें नहीं लगेगा ना, ना ही 3/2 का कोई रूल, नहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जिसमें कोई रूल अप्लाई ना हो तो इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से कन्वर्ट कर देते हैं कि एक्स पावर एन ए पावर एन एक्स माइनस ए, इसके हिसाब से कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पर भी लॉजिक समझना कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, भाई कन्वर्ट करने के लिए लिमिट एक्स वन हमेशा डिनोमिनेटर के हिसाब से जो है वो न्यूमरेटर कन्वर्ट किया करो, भाई एक्स एक्स सेम होना चाहिए ना, पहले एक्स सेम लिख दो उसमें, भाई यहाँ पर अपॉन में एक्स में क्या है एक्स पावर 3/2 है तो ऊपर भी वही होना चाहिए एक्स पावर 3/2, भाई यहाँ जो एक्स की वैल्यू है वही एक्स की वैल्यू ऊपर भी होनी चाहिए ना, बराबर ना, दोनों में सेम होना चाहिए। लेकिन अब 3/2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ऊपर n होना चाहिए, ये n नहीं है, 3/2 वो n नहीं है, वो तो x की वैल्यू ही पूरी x पावर 3/2 है, वो पूरी वैल्यू है। अब यहाँ जो x पावर 3/2 है उसे पावर n लेकर आना है, तो n पावर के लिए यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे क्वेश्चन यही 7/2 मेंटेन रहे। आप रफ में कर सकते हो कि आपके पास 3/2 है, 3/2 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जिससे 7/2 ही मेंटेन रहे, कि आंसर 7/2 होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए उसका 7/2, क्वेश्चन मेंटेन रहे ना, 3/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वही रहेगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक यहीं पे ही लगाना है, और कहीं तो है ही नहीं लॉजिक, फिर तो सीधी फॉर्मूला है। यहां देखो लॉजिक के हिसाब से ना टू टू सेम ही होना चाहिए, तो टू को तो कुछ भी नहीं करेंगे, उसे नहीं छेड़ेंगे ना, क्योंकि टू तो आंसर में होना ही चाहिए सेवन अपॉन टू में। थ्री नहीं होना चाहिए, थ्री को हटाना है, तो थ्री को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, थ्री अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग, थ्री अपॉन में लिखें तो थ्री थ्री कट हो जाएगा ना। और ऊपर नंबर कौन सा चाहिए हमें, ऊपर सेवन चाहिए, तो ऊपर सेवन लिख सकते हैं। ये थोड़ा लॉजिक यूज हुआ ना, तो मतलब अगर थ्री अपॉन टू को सेवन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो थ्री थ्री कट हो जाएगा, बचेगा आंसर सेवन अपॉन टू। ये क्वेश्चन मेंटेन रहेगा उसमें, समझ आ रही है बात। नीचे सेम बनाना था, नीचे थ्री अपॉन टू तो ऊपर भी थ्री अपॉन टू लिख दिया। अब थ्री अपॉन टू को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि क्वेश्चन वही सेवन अपॉन टू रहे, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सेवन अपॉन थ्री से। अरे बात समझ में भाई, इसको सेवन अपॉन थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आंसर वही रहेगा ना, सेवन अपॉन टू, बरबर ना। तो देखो ये एक्स सेम हो गया, अब ए की बारी। ए में देखो ये तो दोनों सेम है ही भाई, आगे प्लस माइनस था, पहले वाले क्वेश्चन में नीचे प्लस ऊपर, नीचे माइनस ऊपर प्लस था, तो हमने साइन चेंज की थी, इसमें तो दोनों में माइनस है, बात ही खत्म, एकदम इजी हो गया, दोनों सेम है ही ए तो, है कि नहीं, ए की वैल्यू तो दोनों सेम है ही ना। अब एन सेम करना है, एक्स हो गया ए हो गया, अब एन इक्वल बनाना है, तो एन में यहां एन पे रखा सेवन अपॉन थ्री, फिर से बोल रहा हूं ये एन नहीं है, जो बाहर मल्टीप्लाई किया वो एन है, तो ये अगर सेवन अपॉन थ्री है तो वन के ऊपर भी तो हम खुद अपना सेवन अपॉन थ्री लिख सकते हैं ना, पहले ही बताया वन का तो कोई भी पावर लिखो आंसर वन ही रहेगा ना, तो ये सेवन अपॉन थ्री वो एन की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी ना। अब देखो ध्यान से, ये बन गया इसकी तरह, बन गया ना एक्स सेम ए सेम और एन भी सेम हो गया, एक्स पे हो गया एक्स थ्री अपॉन टू, ये ए पे वन हो गया और एन पे हो गया सेवन अपॉन थ्री, और ये हो गया ना, तो सीधा फिर लिख देते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल, सीधा ही बता दिया जाता है कि हाँ भाई रूल के हिसाब से अगर हम लोग करें ना, तो फॉर्मूला आ जाती है एन ए एन माइनस वन, बस सीधी फॉर्मूला अब यूज करनी है एन ए एन माइनस वन, तो एन पे क्या, एन पे ये सेम हो गया सेवन अपॉन थ्री, तो एन पे सेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई ए, तो ए पे क्या सेम है वन, इसमें वन है, आगे जो भी नंबर हो, आगे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें उसकी जगह कोई भी नंबर हो वो लिखेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे चलो वन, और ऊपर एन माइनस वन करना है, एन माइनस वन मतलब एन पे ये सेवन अपॉन थ्री माइनस वन, ये हुआ ना सेवन अपॉन थ्री माइनस वन, तो अब यहां पे आगे तो चलो सेवन अपॉन थ्री ही रहेगा मल्टीप्लाई, ये जो वन है, अब वन के पावर में जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी माइनस करना हो तो भले माइनस करो, ना करना हो तो भी चलेगा, कि वन का तो कोई भी पावर वन ही रहेगा ना। आगे वाला क्वेश्चन भी था ना, तो आगे वाले क्वेश्चन में साइन अलग अलग थी, नीचे माइनस ऊपर प्लस अलग अलग था, तो हमने यहाँ पे वन नहीं माइनस वन लिखा था, साइन बदली थी ना अलग अलग, इसमें दोनों में सेम साइन है, अगर दोनों में सेम ही साइन है तो हमें तो फिर वन ही लिखना है, फिर इसमें साइन चेंज नहीं करनी, ये ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन में ऊपर नीचे अलग अलग साइन हो ना, तो फिर वन नहीं लिखा जाएगा, माइनस वन लिखा जाएगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा, ये तो दोनों में सेम है ना, जो हमें क्वेश्चन में माइनस चाहिए यहाँ पे भी माइनस ही है ना, तो फिर वन ही लिखेंगे, माइनस वन उसमें नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। और यहाँ जो वन का पावर लिखे हम लोग, तो इसका माइनस करोगे फोर अपॉन थ्री, वो फोर अपॉन थ्री लिखो तो भी ठीक है, न लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि वन का तो कोई भी प्लस माइनस पावर लिखो वन ही रहता है आंसर, तो मतलब यहां पर 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या मिलेगा 7 अपॉन 3 रहेगा, ये हमारा आंसर, सिंपल है ना, ये लॉजिक खाली यूज करना है ना एक स्टेप में, बाकी तो देखो दो स्टेप में वो सम हो जाता है, सम कंप्लीट हमारा, ध्यान आ रहा है, लॉजिक के मार्क्स आते हैं इनमें आपके। अब वैसे ही देखो 17 वाला क्वेश्चन भी है, कि 17 वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है लिमिट एक्स वन 3 रूट एक्स माइनस वन एंड 2 रूट एक्स माइनस वन, ऐसे दिया हुआ है, देखो रूट में है तो रूट वाले नंबर को तो पहले हम क्वेश्चन ही ऐसे लिख देते हैं ना, कि लिमिट एक्स वन 3 रूट है तो उसे हम लोग एक्स पावर 1 अपॉन 3 लिखते हैं माइनस वन, और ये 2 रूट है तो उसे एक्स पावर 1 अपॉन 2 लिखते हैं, लिखते हैं ना ऐसा कुछ, कि भाई ये 3 पावर हो तो रूट 3, ये 2 हो तो 1 अपॉन 2, बरबर
कहीं पर भी खाली रूट है ना तो 1/2 लिखते हैं, 3 पावर हो तो 1/3, 4 हो तो 1/4, 10 हो तो 1/10, जैसा पावर हो जैसा रूट हो वैसा नंबर यहां पर लिखा जाएगा। अरे बात ध्यान, तो ये x पावर 1/3 माइनस 1 हो गया 3 रूट के हिसाब से, और 2 रूट के हिसाब से 1/2 माइनस 1। अब इसमें भी कोई फैक्टर तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसे भी इसकी तरह कन्वर्ट करेंगे ना हम लोग, इसे भी इसकी तरह ही कन्वर्ट करें ना, कि देखो यहां पर लिमिट x1 जो अपॉन में डिनोमिनेटर में नंबर है वैसा ही शुरू करते हैं, कि देखो ये x पावर 1/2 तो ऊपर भी हमें चाहिए x पावर 1/2, नीचे 1/2 तो ऊपर भी 1/2, और 1/2 को अब इससे मल्टीप्लाई करना है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्वेश्चन मेंटेन रहे, आंसर 1/3 ही रहे, बरबर ना, लॉजिक यही यूज होगा ना, कि देखो 1/2 है, 1/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1/3 मेंटेन रहे। समझ आ रही है बात? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब शायद दो सम हो गए तो शायद आपका लॉजिक आ गया हो कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कि देखो भाई यहाँ आंसर में 2 नहीं होना चाहिए, तो पहले तो 2 हटाना है, 2 हटाना है तो उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 कट हो जाएगा, और आंसर में नीचे हमें चाहिए 3 चाहिए तो उसको नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब इस क्वेश्चन को 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 कट, आंसर 1/3 रहेगा। होगा ना ऐसा कि भाई ये 1/2 है, 1/2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3 से, तो आंसर 1/3, वो क्वेश्चन मेंटेन रहेगा हमारा। अरे ध्यान, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2/3 से, पीछे माइनस 1, यहां पर भी माइनस 1, बरबर, ये a तो सेम है ना, इसमें भी a पे देखो इसकी तरह सेम ही है 1/1, और अब n सेम बना है तो n में यहां 2/3 है तो 1 को भी तो खुद ही दे सकते हैं ना 2/3, बरबर ना, खुद अपना 2/3 पावर दे सकते हैं, 1 का तो कोई भी पावर रखो सेम ही आता है, तो ये हो गए दोनों सेम। समझ आ रही है बात? दोनों हो गए इक्वल। अब सिर्फ अकॉर्डिंग टू रूल वो आंसर लिख दें, n a n-1 के यहां पे लिख दें, अकॉर्डिंग टू रूल जो फॉर्मूला आती है n a n-1, तो n पे क्या लिखा जाएगा, 2/3, n पे लिखा जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई a, तो a पे क्या रखेंगे हम लोग, 1, दोनों में साइन सेम ही है तो 1 ही रखें, और n-1 मतलब 2/3-1, 1 पावर 2/3-1, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई, अब 1 का कोई भी पावर लिखो, इसको माइनस करोगे -1/3 आएगा, वो लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, बरबर ना, कि 1 का तो कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आंसर 1 ही रहने वाला है, तो उसमें भले 1 ही लिखें, और 2/3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, आंसर 2/3 ही आएगा, यही आंसर मिला ना हमें। ध्यान आ रहा है? ये फॉर्मूला ध्यान आ रही है ना, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई फैक्टराइज न हो रहा हो तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। अरे ध्यान, ये अब तीनों सम्स अच्छी तरह से लिखो, ये नई मेथड सीखी, आगे की एक्सरसाइज में भी जो है वो ये मेथड आएगी, इवन आगे के चैप्टर में भी ये मेथड रिपीट होगी, तो इस मेथड को अच्छी तरह से माइंड में रखना। अब जो आगे के सम्स होंगे, आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।